आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 29 दिसंबर 2021 को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशन पर प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आरपी दुबे के मार्गदर्शन आबकारी व्रत देवास बी के प्रताप नगर में कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध मदिरा निर्माण की भट्टिया तथा किलोस्कर कंपनी की बाउंड्री वॉल के पास जमीन में गड्ढे महुआ लान के ड्रमों को नष्ट किया गया। उक्त कार्रवाई में 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 4,500 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। उक्त कार्रवाई में 4 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध किए गए। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 2,38,000 रुपए है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक डीपी सिंह प्रेम यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रेखवार, आरक्षक जायसवाल दीपक, नितिन सोनी, आशीष एवं सोनी केदार चौधरी आदि सम्मिलित है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाई जारी है। आज देवास बी सर्किल के जो प्रताप नगर है उसमें जो अवैध मदिरा निर्माण के अड्डे हैं, कच्ची शराब के जो निर्माण के, वहीं किर्लोस्कर कंपनी की जो बाउंड्री है उसके आसपास जो अवैध मदिरा निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 65 लीटर हाथपट्टी मदिरा और 4,500 किलोग्राम महुआ लहान बरामद हुआ। महुआ लहान को हमने मौके पर विधिवत नष्ट किया है और इस सामग्री का कुल मूल्य 2,38,000 रुपये है। और जो भी वहाँ पे आसपास जैसे जो गड्ढों में या जंगल में है उनको सर्च करके नष्ट किया गया है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।